इतनी खिली खिली धूप देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट यार मेरे तो मन में बहुत सही ख्याल आया, मेरा तो मन हुआ कि आज मैं घूमने निकल पड़ती हूँ। और आज मैं 15 डेज के बाद घर से बाहर निकल रही थी फॉर द पर्पस ऑफ घूमना। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था आज कि मैं आराम से चिल करूँगी, क्योंकि आज था 26 जनवरी और मौसम भी इतना सही हो रखा था। पर जब हम मार्केट पहुँचे तो देखा कि यहाँ थोड़ा सा क्लाउडी वेदर ज़रूर है, बट यार अब मन तो बना लिया था तो घूमना तो पड़ना ही था। तो हम पहुंच गए थे सेक्टर 22 की मार्केट, और ये पूरी मार्केट में ना मैं आपको बताऊं मुझे ऑरेंज कलर आज ना ऐसे पॉपअप हो रहा था, हर जगह पॉपअप हो रहा था। एक तो वजह इसका ये है क्योंकि 22 को मंदिर की स्थापना हुई थी, राम मंदिर की स्थापना, तो उसके लिए जय सिया राम यार, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे फ्लैग लगे थे। और दूसरा था आज 26 जनवरी थी तो हमारे जो फ्लैग में केसरी रंग होता है वो रंग भी लोगों ने लगा रखा हुआ था फ्लैग के रूप में, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ पूरी मार्केट ना संतरी रंग केसरिया रंग से चकाचन हुई पड़ी हुई थी। हर जगह मुझे ये कलर दिख रहा था आज, और देखकर बहुत ही अच्छा भी लग रहा था और देशभक्ति वाली फीलिंग भी आ रही थी। वैसे ना पता नहीं ऐसा क्यों है कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना 22 की मार्केट, तो ये मुझे ना मार्केट अपनी तरफ ऐसे खींचती है कि ठीक है ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, मतलब लेने के इरादे से नहीं आती मैं, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होता है कि हाँ देख के आती हूँ कि नया क्या आया है, और जो नया आया होता है ना फिर मन करता है यार ये भी दे अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेती हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेती हूँ। और बाद में जब मैं घर जाती हूँ ना तो मुझे लगता है यार इनमें से तो कुछ लेना ही नहीं था, ये मेरी ज़रूरत नहीं थी, बस एक उस टाइम का शौक था कि हाँ ये अच्छा लग रहा है ये ले लेती हूँ कभी बाद में पहन लूँगी। और ऐसे करते करते ना मैंने पूरी अपनी अलमीरा भर रखी है, और बाद में मुझे इतनी गालियाँ पड़ती हैं ना जब मेरी अलमीरा मेरी मम्मा देखते हैं कि ये तो कोई भी काम की चीज़ नहीं लेकर आई है, पर मुझे खुशी मिलती है पता नहीं शायद पैसे खर्च करने से। पर चलो एनीवेज ये बातें बाद में करते हैं, अब मैं दिखा दूँ आपकी पूरी मार्केट का इस टाइम क्या हाल है। जब मैं पहुंची ना तो कुछ दुकानें ओपन हो चुकी थी और कुछ हो रही थी। वैसे तो मैं सुबह 11:30 पे मैं निकल चुकी थी, मतलब मार्केट के अंदर थी, और ये पूरी मार्केट का इस टाइम का सीन है। यहाँ पर ना जो वीकेंड की वाइब्स है ना वो मुझे आ रही थी, क्योंकि आज से वीकेंड भी स्टार्ट हो गया, मैं कह सकती हूँ कि ऐसे लॉन्ग वीकेंड तो मान सकते हैं हम इसे। और ना इनके पास ना अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हो या रेगुलर में आते रहते हो तो मैं आपको बता दूँ कि न्यू कलेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाँ विंटर के साथ साथ ना प्री विंटर के आर्टिकल्स भी इंक्लूड हो चुके थे, क्योंकि अब विंटर का जाने का टाइम हो चुका है। कहते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में कि लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति के बाद तो विंटर कम होनी शुरू हो जाती है, और बसंत पंचमी के बाद तो ख़त्म ही हो जाती है, मतलब पाला उड़ जाता है, ऐसी हमारे वहाँ पर कहावत है। तो इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि विंटर के साथ साथ तो प्री विंटर के क्लोज भी ऐड ऑन हो चुके हैं। और हाँ ये टाइम इस टाइम चल रहा है वेडिंग सीज़न, और वेडिंग सीज़न में तो यहाँ धूम ही मची हुई है ज़्यादातर शॉप्स पर ना। यहाँ एक भैया मुझे मिले, भैया बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली नेचर के थे, पहले तो मुझे लगा कि भैया, पर कहते रहे हेलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्लॉगिंग करते हुए, कोई मेरी वीडियो बना रहा है, मैं कि हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आपकी भी पूरी की पूरी शूटिंग जाएगी, आप टेंशन मत लेना। तो भैया से बात करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ इस टाइम जो सीज़न है जो वेडिंग सीज़न है वो उसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ही चकाचक भर रखी हुई है। अब इतना घूमने के बाद तो मन तो यही करना था कि कुछ खाया जाए, अपने आप को एनर्जी तो देनी थी। तो मैं पहुंच गई गोलगप्पे वाले भैया के शॉप पर, इन्होंने अभी अभी ओपन ही किया था, ये सारा पानी हमारे सामने मसाला डालकर तैयार कर रहे थे। और ये ना मुझे समझ नहीं आ रही यार बूंदी वाले गोलगप्पे कौन देते हैं, पर उसको खाने के बाद मेरा गला मुझे ज़रूर लग रहा था कि ये पकड़ा जाएगा शायद कोल्ड हो सके, क्योंकि उन्होंने जो मसाला में पानी जो था ना वो उसके अंदर ना बर्फ़ भी डाल रखी थी, तो उस टाइम तो अच्छा लगा तो मैंने 2-3 खा लिए, बट बाद में मुझे लग रहा था कि गले का सीन पड़ जाएगा। हाँ एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँ ना, तो आप मार्केट के बाहर एक ना ये वाली शॉप है ज्वेलरी वाली दुकान के बाहर ही थी ये, ऐसे ही इन्होंने ना रोड पे लगा रखी है, इनके पास पोचू कम स्टॉल्स हैं, आप उससे ज़रूर लेना यार,
बहुत सही है, बहुत सही है। और रेट भी जेन्युइन था, मतलब 600 बोल रहे थे भैया, आप देख लेना बार्गिंग करके 550 या 500 तक तो दे ही देंगे, बहुत सही है। और इस टाइम ट्रेंड में भी है, तो अगर आप जा रहे हो, सीज़न भी सही है, आप उसे बाय कर सकते हो। वो आपके फॉर्मल और सेमी फॉर्मल दोनों लुक को चार चांद लगा देगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, और ध्यान रखिए अपना। और हाँ, मैं इसके बाद कहाँ घूमने गई थी, नेक्स्ट व्लॉग उसी के ऊपर है, तो स्टे ट्यून्ड और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरी तरह यहाँ पर मैंने देखे बहुत सारे लोग ना, वो भर भर के सामान लेकर जा रहे थे, पर मुझे लगा यार इनको समझा दो कि घर जाकर इनकी मम्मी से डांट ही पड़ने वाली है। ओके बाय। Oh, 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 oh